जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। माता रानी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन पांच राशि के जातक के लिए नवरात्रि में रिश्ते आ सकते हैं और उन पांच राशि के जातक जिनके अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसमें सर्वप्रथम नवरात्रि में चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातक के लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और सगाई हो सकती है, उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा संपूर्ण ग्रहों के अनुसार से अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य जिन जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप अपने विवाह को लेकर परेशान हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है पर उनके सलाह के बावजूद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। जब आप केपी की वाणी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी मिल जाती है। इनमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग राजयोग भाग्य योग महादशा अंतरदशा, तो ये सभी प्रकार की जानकारी जो है आपको कुंडली बनाकर मिल जाएगी। या तो आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप हमें 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 नंबर वीडियोस में भी दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे का भाग्य जानना चाहते हैं, उनके करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जो दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, वे भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलाना अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सर्वप्रथम चंद्र की राशि परिवर्तन से जिन पांच राशि के जातक के लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं या सगाई हो सकती है उसकी जानकारी देता हूं। तो सर्वप्रथम बता दूं कि मिथुन राशि के जातक के लिए इस वर्ष विवाह के योग कम है, क्योंकि मिथुन राशि के द्वादश भाव में वर्तमान समय में गुरु विराजमान है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष शादी तय हो सकती है, सगाई हो सकती है, कई भाग्यशाली राशि जो है मिथुन राशि के उनकी शादी भी हो सकती है, लेकिन अन्य जातकों को इस वर्ष इंतजार करना पड़ेगा और जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु आपकी राशि में विराजमान होंगे, फिर आपके लिए शुभ योग बनेगा। तो चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 1 अक्टूबर को चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे और फिर 4 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, 6 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, 9 अक्टूबर को ये धनु राशि में गोचर करेंगे और 11 अक्टूबर को ये मकर राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार रहा, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा एक राशि में 2 दिन तक रहते हैं और उसके पश्चात एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत रहता है तो जीवन साथी मन मुताबिक मिलता है। इसके अलावा शादी के योग भी 25 वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आप मन मुताबिक जीवन साथी या अगर प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में चंद्रमा अवश्य मजबूत करें। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाए तो फिर आपके लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है
और आपको मनपसंद जीवन साथी मिलता है। हालांकि लव मैरिज के लिए मंगल राहु केतु शुक्र का सहयोगी रहना बहुत अनिवार्य है। इन ग्रहों के विवाह भाव में प्रेम भाव में रहने पर जो है लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो नवरात्रि के दौरान अगर देखा जाए तो चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन जातकों के सगाई के योग हैं वो जातक इस प्रकार से हैं। मीन राशि के जातक जब चंद्रमा गोचर करेंगे कन्या राशि में तो मीन राशि के जातक के लिए, और फिर जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि, फिर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। तो ये पांच राशियां हैं जिनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं नवरात्रि के दिनों में, यानी कि 1 से लेकर 4 अक्टूबर के मध्य जो है, यानी पहली पूजा दूसरी पूजा तिथि पर जो है मीन राशि के जातक को खुशखबरी मिल सकती है और आपके लिए रिश्ता आ सकता है। और फिर 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है मेष राशि जातक के लिए विवाह हेतु रिश्ता आ सकता है या कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर बातचीत है तो उसको नया आयाम दे सकते हैं और अपने सगे संबंधियों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा 6 से लेकर 8 तारीख तक जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि उस समय में जो है चंद्रमा का सुप्रभाव आपके विवाह भाव में जो है चंद्रमा दृष्टि बनाएंगे। तो वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो उनके लिए शुभ योग बनेगा अगर बात करें तो। उसके बाद जो है 8 से 10 तारीख तक जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि मिथुन राशि के जातक के रिश्ते तय होने के योग हैं, वर्तमान समय में विवाह की जो है योग बहुत कम है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में जो है गुरु विराजमान है, गुरु के द्वादश भाव में विराजमान रहने के चलते ही आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि रिश्ता तय होने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा जो है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख यानी कि 9वीं से लेकर जो है 10वीं तिथि तक जो है कर्क राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय में जो है कर्क राशि के विवाह भाव में जो है चंद्रमा का गोचर होगा। तो कर्क राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो तो उनके लिए शुभ योग रहेगा। कर्क राशि के जातक के लिए चूंकि इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा ही है तो, और कर्क राशि के जातक के जन्मदिन से भी 25 वर्ष आयु के बाद ही विवाह के योग बनते हैं, तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा वृषभ राशि में भी जो होते हैं चंद्रमा उच्च के होते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो वृषभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये 4 राशि जो है बड़े भाग्यशाली हैं। मिथुन राशि के जातक भी इसमें शामिल हैं जो कि उनके सगाई हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं नवरात्रि में। तो ये चंद्रमा के राशि परिवर्तन से इन 5 राशि के जातक के को लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं शुक्र के राशि परिवर्तन पर दृष्टि डालता हूँ तो शुक्र वर्तमान समय में तुला राशि में विराजमान है तो मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों के जो है दृष्टि आपके विवाह भाव में रहेगा तो मेष राशि के जातक के लिए बेहद ही शुभ संयोग रहेगा 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और उसके अलावा भी 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के मध्य जो है मेष राशि के जातक के लिए बेहद ही शुभ योग रहेगा। अगर आप शुक्र के राशि परिवर्तन को देखते हैं, वहीं अगर हम गुरु के राशि परिवर्तन को देखते हैं तो गुरु वर्तमान समय वृषभ राशि में विराजमान है और कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जबकि वृषक राशि में ये विवाह भाव को देख रहे हैं। तो मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि वृषभ राशि के जातक के लिए वर्तमान वर्ष बहुत ही उत्तम है और वृषभ राशि के जातक जो भी हैं उनके सगाई शादी के योग वर्तमान समय में भी है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तो गुरु के राशि परिवर्तन से या गुरु की स्थिति को देखकर बताएं तो कर्क राशि के जातक जैसा चंद्रमा के राशि परिवर्तन से, और फिर चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातक को नवरात्रि में लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाह भाव की तो गुरु का जो है दृष्टि जो है विवाह भाव में वृषभ राशि के जातक के, तो वृषभ राशि के जातक को भी लाभ प्राप्त दिखता हो रहा है। तो वृषभ राशि के जातक ये है। इसके अलावा अगर हम अन्य राशि के जातकों की बात करें तो मंगल जो है वर्तमान समय में जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है, तो मिथुन राशि में विराजमान रहने के चलते धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए शुभ संयोग है। नवरात्रि के दिनों में आपके माता पिता को प्रेम प्रसंग की जानकारी देते हैं तो इसकी संभावना अधिक है कि आपको उनकी सहमति प्राप्त हो सके। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं उनके लव मैरिज प्रेम प्रसंग पर जातकों के लिए जो प्रेम विवाह के योग नवरात्रि में बन रहे हैं, नवरात्रि से लेकर जो है 20 अक्टूबर तक इनके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बुध की तो बुध जो है वर्तमान समय में जो है विराजमान है सिंह राशि में, और सिंह राशि के में विराजमान रहने के चलते कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बना रहा है और 10 अक्टूबर तक जो है
बुधदेव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, तो कुंभ राशि के भी जातक के लिए जो प्रेम प्रसंग में हो उनके लिए शुभ योग है कि नवरात्रि में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नवरात्रि के दौरान जो है कुंभ राशि के जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये तो पांच राशियों के बारे में मैंने बताया, फिर ग्रहों के बारे में बता देता हूँ, बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य किन किन जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम नवरात्रि की बात करें तो शुक्र के चलते जो है मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है, शुक्र के चलते, क्योंकि शुक्र जो है 17 अक्टूबर तक रहेंगे तुला राशि में, तो मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। तो अक्टूबर के नवरात्रि में जो है इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, तो फिर वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। तो इनके नवंबर में शादी होने के प्रबल योग हैं। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए नवंबर के महीना बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपके पन्ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। और बात करते हैं जब शुक्र और भी आगे बढ़ेंगे तो धनु राशि में गोचर करेंगे, और जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएंगे। तो ऐसे जातक जिन पर प्रभु शिव की कृपा रहेगी, मिथुन राशि के भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तो मिथुन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक इसमें शामिल हैं और कर्क राशि के जातक शामिल हैं। तो ये पांच राशियां हैं जिनके शादी के योग अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक है। कई राशि के जातकों ने हमें मकर राशि के बारे में पूछा है, सिंह राशि के जातकों के बारे में पूछा है। तो आपको बता दूं सिंह राशि के जो भी जातक हैं वर्तमान समय में शनि जो है आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो घर परिवार जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते ही आपके शादी रिश्ता टूट सकता है। तो आप जब भी मांगलिक कार्य करें तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें सिंह राशि के जातकों के लिए। मकर राशि, कुंभ राशि, ये दो राशि के जातक जो हैं वो साढ़े साती से पीड़ित हैं, इसलिए उनको अभी वर्तमान समय में इंतजार करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के बारे में मैंने बता ही दिया है कि द्वादश भाव में गुरु है, इसके चलते मिथुन राशि के जातकों को भी वर्तमान समय में इंतजार करना पड़ सकता है। अलग बात करें धनु राशि की, धनु राशि के जातक के प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह के योग हैं। मीन राशि के जातक के, मेष राशि के जातक के, वृषभ राशि के जातक के, कर्क राशि के जातक के, वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग है। तो दोस्तों आज मैंने आपको यह जानकारी दी है, अगर आपको कोई बात समझना आई तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में आगे का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही पूर्व से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही जानकारी दी गई। चंद्र राशि इनमें से आपका एक है तो आपके लिए फलदायी रहेगा, अन्यथा आप जन्मदिन से देख रहे हैं तो भी आप, अगर आपको जन्म विवरण ना पता है और आप अपने नाम से देख रहे हैं तो जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को आप अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।